पठानकोट के फूड एंड सेफ्टी विंग की तरफ से आज शहर के शराब के ठेकों और अहातों पर चेकिंग की गई। इस दौरान शराब के ठेकों और अहातों के लाइसेंस चेक किए गए और साथ में अहातों में साफ सफाई का भी जायजा लिया गया। जिन ठेकों के पास लाइसेंस नहीं थे उनका चलान काटे गए और जिन अहातों में साफ सफाई के प्रबंध अच्छे नहीं थे उनके भी चलान काटे गए। फूड एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर मैडम सुमित कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको 15 दिन का समय लाइसेंस दिखाने का दिया गया है। अगर वह 15 दिन में अपने लाइसेंस पेश नहीं करते तो उनके भी चलान काट के सख्त कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी विंग पठानकोट वालों आज शराब के ठेकों की हाथों की चैकिंग की जा रही है। उसके विच देखा जा रहा है कि साफ सफाई या उन्होंने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन बनवाई हुई है। जिहड़ी भी चीज़ें नहीं बनवाई हुई तो उन्होंने एक नोटिस दिता जा रहा है कि अपना लाइसेंस 15 दिन के अंदर अंदर बनवा लिया, नहीं तो उन्होंने जो भी एक्ट के बनती कार्रवाई वो की। हजे असं दो किए असं बाकी अगे भी जावे। अज फूड सेफ्टी विंग पठानकोट वालों साढ़े वालों चैकिंग की जा रही है। शहर के जिन्हें ठेके है उन्होंने चैकिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि उन्होंने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट अधीन अपना लाइसेंस बनवाया है या नहीं बनवाया है। जिन्होंने नहीं बनवाया उन्होंने साढ़े वालों नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर अंदर अपना लाइसेंस जो है वो बनवा लिता जाए, नहीं तो 15 दिनों तो बाद डिपार्टमेंट वालों इन्हों के विरुद्ध जो बनती कार्रवाई है की जाए। जिन्हें असं हूँ तक चैक किए इन्हों को लाइसेंस नहीं पाया गया है, इसलिए असं नोटिस जारी कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर बनवा लो, नहीं तो कार्रवाई फिर इन्होंने विरुद्ध हुई भी। फिर भी देखो वो असं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट अधीन ही कार्रवाई करा, जो बनती कार्रवाई होएगी जिन्हों के चलान करा चलान कोर्ट च पेश होएगा, जो भी कार्रवाई एक्ट के अधीन होएगी वो साढ़े वालों की जाएगी। साढ़े वालों उसकी भी चैकिंग की जा रही है, जिथे सानू गंदगी पाई जाएगी जिथे नहीं चंगा साफ सफाई नहीं मिलेगी उसके विरुद्ध भी साढ़े वालों कार्रवाई की जाएगी।